बजट के अंदर दो बड़ी घोषणाएं की है। मैं मानता हूं ये घोषणाएं देश भर के सभी किसानों के लिए और सभी गरीब मतदाताओं के लिए, गरीब नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं। पहली घोषणा, सालों से इस देश का किसान अपनी जो फसल है उसके दाम के लिए लागत से ज्यादा, बेसिक कॉस्ट से ज्यादा, डेढ़ गुना उसको समर्थन मूल्य मिले, एमएसपी मिले, इसके लिए आंदोलन कर रहा था। इस बजट सत्र में जो बजट लेकर नरेंद्र मोदी सरकार आई उसके अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने यह घोषणा की है कि रबी फसल और खरीफ फसल दोनों क्रॉप के लिए लागत से ज्यादा डेढ़ गुना समर्थन मूल्य एमएसपी दिया जाएगा। किसान को जो खर्च होता है इससे डेढ़ गुना उसको समर्थन मूल्य देने की घोषणा नरेंद्र मोदी सरकार ने की है और सारे क्रॉप के लिए की। दूसरा, इस देश के गरीबों के लिए जब भी कोई बीमारी आती थी तो गरीब के लिए बीमारी के कारण नहीं मगर बीमारी को से बचने के खर्चे के कारण जानलेवा बीमारी बन जाती थी। बीमारी से तो शायद वो निकल जाता था मगर कर्ज का जो बोझ बन जाता था उसके दबाव में से वो कभी मुक्त नहीं होता था। अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने तय किया है, भाजपा सरकार ने तय किया है कि देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा जिसमें मेडिकल चेकिंग, हॉस्पिटलाइजेशन, दवाइयां और सारे रिपोर्ट्स ये सब समाविष्ट होगा। एक परिवार पर सालाना 5 लाख तक का खर्चा भारत सरकार उठाएगी।